Good morning, students. Today we will read for the chapter of Magic Garden. Yes, said the marigold. The boys are good to us too. They dig the ground so well. The marigold है जो वो बोलता है कि लड़के लोग भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं और वो लोग भी बहुत ही अच्छे हैं. वो यहाँ पे आते हैं और हमारे ground को मतलब मैदान को अच्छे से खड्डा खोद के पानी वानी डालते हैं. Now next paragraph. We love the little children, said a tiny bird. जो छोटी पक्षी होती है वहाँ पे वो बोलती है कि मुझे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं. They are kind and they bring bread for us. क्यों अच्छे लगते हैं उसे? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं बच्चे लोग और वो लोग हमारे लिए खाना भी लाते हैं जैसे कि ब्रेड हुआ. Now next paragraph. All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty. तो all सब flowers जो होते हैं वहाँ पे फूल वो बोलते हैं कि हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगे. pretty मतलब खूबसूरत. For the children will be here soon. जो यहाँ पे बच्चे आएंगे उन्हें हमारे कपड़े देख के खुशी हो इसीलिए हमारे ड्रेसेस बहुत अच्छे होने चाहिए. The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. जो सूरज होता है वो बोलता है कि मैं भी चलो आपकी मदद करता हूँ. तो जो बच्चे लोग यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे भागते हुए आएंगे और वो गोल्डन सनशाइन में खेलेंगे भी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग. अचानक से बच्चे लोग वहाँ पे आ जाते हैं हंसते हुए और गाना गाते हुए. एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग टू लिसन टू देम. जो फ्लावर्स लोग होते हैं अपने आप में बातें कर रहे होते हैं वो चुप हो जाते हैं ताकि वो बच्चों की आवाज़ सुन सकें. नेक्स्ट पैराग्राफ. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. वहाँ पर एक बच्चा आता है और बोलता है कि देखो ये sunflower को कितना लंबा है. तो उतने में ही sunflower जो है वो अपना सर ऊँचा करता है बहुत ही गर्व से. Next paragraph. Another child said, I love them. Another child said, I love the marigold in its golden dress. तो दूसरा बच्चा वहाँ पे आता है और बोलता है कि मुझे तो marigold पसंद है क्योंकि वो golden color का है इसीलिए. It was indeed a magic garden. वो जो था वो एक magic garden था. क्यों? Because it had fairies too. क्योंकि वहाँ पे परियाँ भी थी. They danced and sang sweet song which only the children could hear. वो वहाँ पे आती थी डांस करती थी गाना गाती थी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. After a time, the fairies came out dancing and talk with the children. थोड़े टाइम बाद जो परियाँ थी वो बाहर आई नाचते हुए और वहाँ पर आके बच्चों से बातें करने लग गईं.
Their dresses were made of flower and their wings of sunshine. जो उनके कपड़े थे वो फूलों से भरे हुए थे और जो पंख विंग्स मतलब पंख तो वो पंख थे वो सूरज की किरणों से थे. The magic garden was quiet that night. The flowers and the birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो मैजिक गार्डन था वो शांत हो गया एकदम से वहाँ पे और बर्ड्स और जो चिड़ियाँ थी जो फूल थे वहाँ पर वो सो गए और वो ड्रीम मतलब सपने देखने लग गए कि अब दूसरे दिन फिर से बच्चे लोग वहाँ पर आएंगे.